हेलो दिस सचिन सचुनाना हेयर तो पिछली बार हमने जीओसी के टेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वट आई कॉल एस दस का दम डिस्कस किया था फॉर द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वीडियो में हम सेम चीज करने वाले हैं फॉर द चैप्टर आइसोमेरिज्म रिक्वेस्ट क्या है कि आप को एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है और हर क्वेश्चन के मैं कंसेप्ट तो डिस्कस करूंगा ही साथ में आपको हर क्वेश्चन का कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो पिछली बार की तरह इस वीडियो को अच्छी तरह फॉलो करना ये बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे क्वेश्चन लेके आगे सचिन भाई इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे मीन में आएगा बट यहाँ पे हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी बिकॉज इसमें मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर आने वाला है क्यों गलत आंसर आएगा कैसे आएगा उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं उ मेनीटर्स डॉलोइंग कुछ भी नामों से क्या मतलब है बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है यहाँ पे दैट सबसे पहले स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होता है इस टर्मिनोलॉजी के पीछे डेफिनेशन क्या है इट कैन बी शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट कैन ऑल्सो भी शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको बोलते स्टीरियो सेंटर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर अगर किसी चीज को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना हो या सिंपल लैंग्वेज में कोई कायरल सेंटर बनना हो तो कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो रहे हो लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन ही हो वी कैन ऑल्सो हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे चार ग्रुप्स डिफरेंट हो रहे हो वी कैन ऑल्सो हैव सल्फर बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए एक टेट्राहेड्रल सेंटर होना चाहिए जहां पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो रहे हो उसको हम एक कायरल सेंटर बोलते हैं बट फॉर एक्साम्पल अगर मैं इस नाइट्रोजन पे फोकस करूं अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है बिकॉज लेट मी से फॉर आई फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन अब ये जो आप लोग को दिया गया है यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इधर कोई ग्रुप R1 है नीचे की तरफ कुछ R2 है साइड की तरफ कुछ R3 है तो प्रैक्टिकली ये तो एक कायरल सेंटर होना चाहिए बट दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर इन दिस केस और ऐसा क्यों होता तो है उसके पीछे का लॉजिक क्या है लॉजिक इज वेरी सिंपल दैट देयर इज रेजोनेंस टू बी प्रेजेंट अब सेंस रेजोनेंस प्रेजेंट हो रही है फॉर एग्जांपल इस डबल बॉन्ड ओ के साथ ले लीजिए साइड में है ड्यूरिंग रेजोनेंस इट डज नॉट रिमेन ए थ्री सेंटर इट एक्चुअली बिकम्स sp2 बिकॉज़ वहां पे डबल बॉन्ड बन के आ जाता है ड्यूरिंग रेजोनेंस सिंस ड्यूरिंग रेजोनेंस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक की तरह नहीं करेगा वो SP2 में, हो जाता है, वाला इस में भी एप्लीकेबल हो जाएगी क्यों बिकॉज यहां पे कुछ समझ आ रहा है कि लोन पेयर तो है सब कुछ डिफरेंट तो है बट दिक्कत वाली बात क्या है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रही है तो ड्यूरिंग रेजोनेंस इट बिकम्स sp2 यहां पे सल्फर टेट्राहेड्रल है बट सिंस दोनों लोन पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं हेंस ये एक साइरल सेंटर नहीं बन के आएगा ये कार्बन नहीं होगा का बिकॉज sp2 है इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं क्या ये कार्बन एक कारल सेंटर होगा ये दिस इज अ वेरी सिंपल कारल सेंटर दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कारल सेंटर एंड ये वाला भी एक कारल सेंटर बन के आ सकता है तो टोटल कितने कारल सेंटेंस मुझे दिख जाएंगे द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू थ्री ठीक है तो, तो, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है फ्यूचर में अगर आए भी तो अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे समझाना चाहता आप लोगों को। एक टर्म आपने सब किसी ने सुना ही होगा दैट टर्म इज नोन एज रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन मतलब क्या कि मैं किसी भी कंपाउंड को उसके इनैंशियोम में कन्वर्ट करके उनका सेग्रीगेशन कर सकता like, तो हूं लाइक अगर दो इनशियोमर्स दिए गए हो एक दूसरे के उनको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं बट फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या पूछा आप लोगों से लेट मी से आई हैव बीन हैोजन दिस इज आर वन दिस इज आर टू दिस इज आर थ्री ये नाइट्रोजन एक कैन यू पीपल टेल मी एक कायरल सेंटर है लिटरल एबीसी का है ये कायरल सेंटर है इसका मतलब क्या है सिंस ये कायरल सेंटर है हेंस इसमें इसका इनाशमर भी बन के आ सकता है इसका इनाशमर बनता कैसे है वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज अमीन इनवर्जन बट अभी तक भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ बिकॉज मुझे एक और चीज़ आपको सिखानी है, अमीन का मतलब क्या होता है जिसे सीधा खोल दिया को उल्टा कर दू उल्टे तरफ खोल दू जैसे टूट जाता है आपका अम्ब्रेला उल्टे तरफ तो उसी को हम बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होती है इस अमीन में अमीन इनवर्जन हो जाता है ड्यू टू विच इट ओपन ऑन ऑपोजिट साइड बट इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ जैसे ये ऑपोजिट साइड पे खुल गया आपके हिसाब से दोनों इनशमर्स है टोटली करेक्ट नॉट अ लॉजिकल डिफिकल्टी बट इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इन एंश्योमर्स को हमेशा रिजोल्व कर सकते हैं बट जब भी मैं अमीन लेता हूं तो अमीन वाले केसेस में वी कैन नॉट रिजोल्व और क्यों नहीं रिजोल्व कर सकते हैं बिकॉज ये इकलीब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम से लीच चैटेलले लगाइए एक इक्विलिब्रियम से मैंने किसी एक पार्ट को हटा दिया चाहे वो रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो तो इक्विलिब्रियम ही खत्म हो गया तो हेंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट सेग्रीगेट दिस और दिस दीज एग्जिस्ट टुगेदर दीज एग्जिस्ट टुगेदर तो अगर ये साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ काइरल सेंटर दिस इज ऑप्टिकली

मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या बोला गया कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं क्या कंपाउंड नंबर ए ऑप्टिकली एक्टिव है यस वेरी सिंपल लॉजिक बिकॉज दोनों बेंजीन रिंग्स एक प्लेन में अनस्टेबल होंगी इसलिए नॉन प्लेनर स्पीशीज बनता है ड्यू टू विच वी हैव अ थिंग दैट इज नोन एज एट्रॉप आइसोमेरिज्म एंड ये किसके अंडर आता है काइरल कंपाउंड्स विदाउट अ काइरल सेंटर ठीक है तो हे कैन अंडरस्टैंड सिंस दोनों ऑप्टिकली

वो एक प्रिपेंडिकुलर प्लेन में है तो क्या वो कंपाउंड प्लेनार होगा या नॉन प्लेनार होगा यस नॉन प्लेनार टर्मिनल्स बन के आ रहे हैं तो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट बन जाएगा क्वेश्च नंबर थ्री के ऊपर आइए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मैं किसी रिंग की लेता हूं या मैं किसी भी पाई बॉन्ड की लेता हूं तो दोनों की सेम होती है न बीकन टू बीवल हो जाएगा लास्ट केस में देखो, अब लोगों लगता है कि यार यहाँ पे तो सबके सब ऑप्टिकली सब एक्टिव है तो ये तो मुझे दिख नहीं रहा बट एक्चुअल में ये कंपाउंड मीजो आने वाला है और मीजो कैसे आएगा बिल्कुल ध्यान से समझिए बेटा ये बहुत गलत फेमी में दूर करने वाला हूँ इन दोनों के बीच का एक शिफ्ट करवाइये तो अगर मैं एक शिफ्ट करवाता हूं तो क्या कंपाउंड बन के आएगा आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एच एच ओ दर्बोक्सलिक एसिड एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच बट अगर मुझे सेम कंपाउंड को जनरेट करना है अगर मैं कंपाउंड एक्स बोल रहा हूं तो ये कंपाउंड बेटा आपने वाई जनरेट कर दिया ये एक्स नहीं है इसलिए मुझे एक और शिफ्ट करना पड़ेगा एक और शिफ्ट करवाने के बाद मुझे क्या दिखेगा आई विल सी दैट कैसे इन दोनों के बीच में करवा दीजिए एक और शिफ्ट I will get the formation of C double bond O OH H OH H OH C double bond OH. तो क्या ये compound X होगा? Yes, ये भी compound X होगा because even number of shifts किए गए हैं इस compound के ऊपर. तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? That since we have two chiral centers but a plane of symmetry exists कर रहा है, तो ये एक meso compound बन जाएगा which is optically inactive. Hence option number D will be the correct answer for this question. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और एक मेमोरी भी रखता है बिकॉज इस प्रकार का क्वेश्चन जब मैं अपने वाले बैच में पढ़ा रहा था जहां पर मैं कन्फर्मेशन एस पढ़ा था क्लास इलेवेंथ में तब मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि इस प्रकार का क्वेश्चन इस साल देखना पक्का एडवांस में आ सकता है बिकॉज इस टॉपिक को एडवांस ने छुआ नहीं था उस टाइम पे तो वही सेम क्वेश्चन एडवांस में आ गया था जहां पे पूछा गया था कि इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या क्या रिलेशनशिप बन के आ रहा है एनीवेज लेट अस कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड यहां पे क्या हो रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है

हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ताकि दोनों के दोनों सेम प्लेन में बन के आ जाए सेम प्लेन में बन के आ जाए इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है इक्लिस्ट फॉर्म में तो अगर मुझे इस कंपाउंड को इक्लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं क्या लॉजिक लगा सकते हो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है लेट मी से मैंने क्या किया मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया रोटेट कीजिए कीजिएसौ अस्सी से क्यों करना आपको थोड़ी देर में देखेगा आपको नहीं भी करना तो भी चल जाएगा दोनों से मेरे पास अप्रोक्सीमेटली सेम ही प्रैक्टिकली सेम ही आंसर आने वाला कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे तो अगर मैं रोटेट करता हूं इसको हूँ अस्सी डिग्री से तो क्या कंपाउंड बनेगा यह वाला शिफ्ट ये वाला पॉइंट यहां से यहां पे चला जाएगा ये वाला यहां से यहां पे चला गया ये वाला यहां से यहां पे चला जाएगा विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ बनाइए इसको वंस अगेन है मैं पीछे रोटेट कर रहा हूं सामने वाला वैसे का वैसा ही है पीछे वाले को रोटेट करने में क्या बन जाएगा एच चला गया ऊपर तो यहाँ पे भी एच बन जाएगा एम ई e चला गया इधर तो यहाँ पे e बन जाएगा and यहां पे C o, o चला जाएगा एंड पे डबल बॉन्ड चला ये बन आगे आपके लिए? आप किसी भी के गया जरूरी नहीं है जो मैंने एक बनाया वही बनाओ इट इज टोटली योर विश अब कैसे कन्वर्ट करना उसके पीछे का लॉजिक समझिए हमें सबके सब, सब सेम प्लेन में चाहिए होते हैं तो एच एंड एच ऑन द सेम प्लेन बना लीजिए बेटा इन द सेम प्लेन उसके बाद C डबल बॉन्ड ओ एच एंड पी एच इन द सेम प्लेन तो C डबल बॉन्ड ओ एच एंड पी एच ऑन द सेम प्लेन और ऑन द सेम साइड यू टू कॉल इट उसके बाद दाइट ओ एच एंड एम ऑन द सेम प्लेन और ऑन द सेम साइड तो वो ही बना लीजिए बेटा एम ई एंड ओ एच तो ये बन के आ जाएगा अब हमें देखना है कि कौन सा वाला यहाँ पे एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है कैसे मैचिंग करवाना है देखो बेटा इसके पीछे भी लॉजिक समझना आप लोगों को कभी-कभी जो भी आपने क्वेश्चन में आंसर निकाला है वो डायरेक्टली मैच नहीं करता है तो मैच करवाने के दो तरीके होते हैं आप इसी प्रोजेक्शन को लेट मी से 180 डिग्री से रोटेट कर दो इसकी परपेंडिकुलर लाइन पास किया एंड उसके अराउंड 180 रोटेट कर दिया तो एग्जैक्टली सेम कंपाउंड बन के आता है रोटेशन बाय 90 डिग्री नॉट अलाउड बट बाय 180 360 एटसेट्रा मतलब पाई एन मल्टीपल इज अलाउड रोटेट किया तो आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ रोटेट किया ऐसे करवाइए रोटेट तो ओ OH एच वाला ऊपर चला जाएगा कैसे समझ रहे देखो कैसे ऐसे रोटेट इधर से इधर जा रहा है इस प्रकार से ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं। ओके, तो OH यहां पे गया यहां पे एम ई चला जाएगा यहां पे मेरे पास पीएच प्रेजेंट होगा एंड यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा क्या अब हमें कोई मैच मिल रहा है वो भी ध्यान से देखिए ये मुझे एक मैच मिल रहा है एंड यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर बी

समझ आ रहा है दुनिया में कोई भी एक्सिस जो भी आपके दिमाग में आ रही हो जैसी मर्जी पास कराने कराइए मैं यहां से करवाना चाह रहा हूं तो सी एन एक्सिस का मतलब क्या होता है कि मैं इसको कितने एंगल से रोटेट करूं इस एक्सिस के अराउंड ताकि एग्जैक्ट सेम कंपाउंड बन के आना चाहिए लॉजिक समझ आ रहा है 360 कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर एन कैन नॉट बी इक्वल टू वन बिकॉज वैसी सिमेट्री तो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है तो क्या दिमाग में आ रहा है? एक सौ डिग्री आ रहा है अगर मैं इसको करता हूं, 180 डिग्री से, दे 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 सेम तो वहां पे n n की कितनी बन जाएगी? विल बी तो वी से एक C2 आग्जिस कर रही है। अब इसका एप्लीकेशन हैं इस क्वेश्चन के द्वारा अगर मैं केस नंबर 1 लेता हूं इस प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक एक्सिस पास करवा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस और उसके अराउंड अगर मैं रोटेट करता हूं 120 डिग्री से तो क्या मुझे सेम कंपाउंड मिलेगा यस yes, डिग्री से करिए एग्जैक्टली exactly मैं एक्स बोल रहा हूं तो एक्स बन के आ जाएगा तो कौन सी एग्जेट्री एग्जिस्ट कर रही है एन इक्वल टू थ्री इसलिए सी थ्री एक्सोमेट्री एग्जिस्ट कर रही है क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है ये yes, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बहुत आसानी से मुझे दिख सकता है ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी एक प्लेन मिल जाए हमारा काम चल जाएगा तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है

क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा यस प्लेन ऑफ कैसे बीच मेंिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है बट क्वेश्चन पूछेगा क्या C3 थ्री एक्सो सिमेट्री है बिल्कुल नहीं है C3 थ्री ऑफ सिमेट्री इस पर्टिकुलर केस में नंबर थ्री पे आइए क्या यहां पे मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है बहुत आराम से सकता हूं। एक कर रहा है। क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे प्रिपेंडिकुलर लाइन बना दूं इस बेंजीन रिंग के प्लेन के प्रिपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए रोटेट कीजिए ये एंगल कितना है मेरे पास एक सौ बीस डिग्री ये भी वन ट्वेंटी डिग्री ये भी वन ट्वेंटी डिग्री

ये यह यहां पे चला जाएगा समझ आ गया यहां पे चला गया सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी हर केस के लिए Hence, C3 डी भी, भी, भी करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा तो, तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड इंटीजर टाइप क्वेश्चन कि कहां कहां पे ये वाले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन के द्वारा हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी तो सबसे पहले उस चीज को सीखते हैं एंड फिर क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं एप्लीकेशन के लिए

तो टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज टॉर्शनल स्ट्रेन मीन्स द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड्स यहां पे सिंस सिग्मा बॉन्ड है जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा सेम चीज इधर भी हो जाएगा जो R2 वाला है R5 वाला है यहां पे भी रिपल्शन होगा यहां पे भी रिपल्शन होगा लॉजिक समझ आ रहे हैं आप सभी को इसका लॉजिक ये है कि रिपल्शन ड्यू टू बॉन्ड्स

मैंने यहां पे लिया लेटमी से इथाइल तब जो वैंडरवॉल स्ट्रेन होगा बी हाइयर इन दिस केस बट प्लीज अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडरवल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन आर डिफरेंट थिंग्स तो टॉर्शनल स्ट्रेन इस केस में इस केस में जो टॉर्शनल स्ट्रेन है दैट इज बिटवीन द ग्रुप्स रिपल्शन दैट विल बी द एग्जैक्टली सेम एज इज इक्वल टू बी चाहे वो ए यहाँ पे मान रहा हूं मैं बी यहाँ पे मान रहा हूँ लॉजिक समझ आ रहा है क्यों बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो वो हमेशा सेम रहेगा लेकिन ये ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो इट विल इन द केस ऑफ ए एंड बी ये बेसिक लॉजिक इसके पीछे यूज किया जा रहा है अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं क्वेश्चन तो आसान ही है इसके बाद समझने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम टोर्स स्ट्रेन एंड मिनिमम वैन वैंडरवॉल स्ट्रेन रिपल्शन कम करना है दोनों सेम प्लेन में है

सेम प्लेन और द लेस डिस्टेंस बट अगर मैं सेकेंड केस में आता हूं यहां पे क्या हो रहा है वन एंड टू के बीच में रिपल्शन इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन तो यहां पे थ्री एक्स रिपल्शन हो रहा है तो मिनिमम रिपल्शन कहां पे बन के आ रही है केस नंबर टू में इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यहां पे हमसे आर एस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है हर साल आरएस से फिशर प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो मे बी इस साल वेज डैश का यूज कर लिया जाए आर एस कॉन्फिग्रेशन को ढूंढने के लिए केस नंबर वन पे आते हैं यहां पे यू हैव बीन गिवन अ कार्बन जहां पे ओ OH एच है एक मिथाइल है एक सी एफ थ्री है एंड यू हैव बीन गिवन अ फिनाइल ग्रुप हम लोगों से पूछा गया इसका आर कॉन्फिग्रेशन है या एस कॉन्फिग्रेशन है सबसे पहले कॉन्फिग्रेशन डिसाइड करने के लिए हमें असाइन करना है नंबर्स बेस्ड ऑन दी आई पी रूल्स यहां पर नंबर वन कौन सा होगा देखो मैक्सिमम अटोमिक नंबर नंबर का नंबर वन उसके बाद ये है CF3, CH3, C double bond something. तो कौन सा वाला जीतने वाला है कार्बन अटैच टू फ्लोरिन विल ऑब्वियसली विन फ्लोरिन उसके बाद यू हैोर प्रायोरिटी ओवर दी मिथाइल ग्रुप

कॉन्फ़िगरेशन बनके आ जाएगा तो दिस एक्चुअली हैज द आर कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाले के ऊपर आते हैं यहां पे ढूंढिए अब इसमें सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन के ऊपर ही यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो उसका नंबर 1 दिया जाएगा सेकंड वाला कौन सा आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ओ और अ कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू सल्फर अब एक मिनट खुद से सोचना है आराम से सोचो कार्बन डबल बॉन्ड ओ है डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती थी सीआईपी रूल्स में वी वुड कन्वर्ट एवरी ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड बॉन्ड सिंगल ताकि एक यूनिफॉर्म कंपेरिजन हो सके वही लॉजिक यूज किया जाता है अगर मैं सेम लॉजिक यहां पे लगाऊं तो यहां पे किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दिस एक्चुअली ये गलती करते हैं लोग इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं दिस एक्चुअली कैन बी रिटर्न एज दिस ब्रेकिंग अकॉर्डिंग टू दी आई पी रूल दिस कार्बन

इसको डैश पे लाने के लिए कितने शिफ्ट करने पड़ेंगे देखो बेटा ध्यान से एक शिफ्ट करना पड़ेगा एक शिफ्ट करना पड़ेगा इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर में देखो रोटेशन देखिए तो वन से टू से थ्री सर्कल बनाने के लिए तीन पॉइंट रोटेशन इज है मतलब मतलब आर बट सिंस एक शिफ्ट किया जाएगा तो एस बन के आ जाएगा इन्वर्जन हो जाएगा नेक्स्ट वाले केस में आ जाइए यहां पे यू हैव बीन गिवन दिस किसको नंबर वन दिया जाएगा किसको नंबर टू दिया जाएगा किसको नंबर थ्री दिया जाएगा देखते ध्यान से सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट दी डैश पोजीशन तो ये वेज पे नहीं है तो वेज पे लाने के लिए हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा करते हैं थोड़ी देर में आइए कार्बन सिंपल कार्बन सिंपल कार्बन कैन नॉट कंपेयर नेक्स्ट वाले पे जाना पड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड सिंपल कार्बन वंस अगेन तो कौन जीतेगा जीत जाएगा फिर कार्बन बॉन्ड कार्बन जीतेगा फिर ये कार्बन जीतेगा तो one से two से पे मैं जा रहा 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 तो तो ये दिखने में क्या लग रहा है? R लग रहा है 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 एक shift किया गया इन्वर्जन तो तो के बाद क्या बन जाएगा एस कॉन्फिग्रेशन तो नेट कॉन्फिग्रेशन क्या बन रही है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

नहीं बिकॉज यहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आ रहा है इसलिए सिर्फ एक आइसोमर बनेगा दैट इज सिस सिस में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है यस yes, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए यहां पे इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इसका एन बन के आ जाएगा तो टोटल कितना बन जाएंगे टू यहां से तो नेट टोटल कितना बन गया यहाँ पे सिस?

एंड नंबर टू रिंग नंबर वन अगर इस प्लेन में लाइक कर रही है तो बेंजीन रिंग नंबर टू कैसे प्लेन में होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही होगी बिकॉज तभी तो रिपल्शन मिनिमाइज हो पाएगा अगर दोनों सेम प्लेन में हो दोनों सेम प्लेन में हो तो इस देख सकते हो लिटिल फिंगर्स दिस एंड द थम्स दिस विल हैव वेरी हाई रिपल्शन लेकिन जैसे मैं इसको 90 डिग्री पे भेज दिया

वो भी रेड वाले की तरह ही एग्जिस्ट करेगा मतलब प्लेन वन एंड प्लेन थ्री आर एग्जैक्टली इन द सेम प्लेन पैरल तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर क्या समझ आ रहा है मुझे दैट दिस एंड दिस आर इन द सेम प्लेन मतलब टर्मिनल आर प्लेन आर इन नेचर अगर मैं बीच से एक प्लेन सिमेट्री पास करूं पास कीजिए तो क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम बन रहा है या yes, सेम बन रहा है हेंस ये ऑप्टिकली इन-एक्टिव इन-एक्टिव आ जाएगा। सेम चीज क्वेश्चन नंबर में अप्लाई करते हैं। क्या ये ऑप्टिकली कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा देख सकते हो बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो रहा है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा

रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड मोरवर ड्यू टू बल्किनेस ऑफ देंस ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा लोग गलती करते हैं बट NO2, NO2 है है, वो एक्चुअल में प्लेन वन बेनजीन वन प्लेन टू बेनजीन टू प्लेन वन बेनजीन थ्री तो वो सेम प्लेन में है बट द डिफरेंस इज दैट कि फॉर एग्जाम्पल एटमी से इस केस में जो एनो टू है वो इधर है प्लेन नंबर वन में तो मिथाइल यहां पे है दूसरे वाले में क्या हो रहा है मिथाइल यहां पे है एंड एनओ टू यहां पर है इसलिए जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को सोचने जाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ऑल दो डिज आर इन द सेम प्लेन ठीक है तो वो भी सोचना आपको नेक्स्ट वाले में आ जाइए बिकॉज भी ऐसे क्वेश्चन आगे विच आर दो तो फॉलिंग अ प्लेनर स्पीशीज तब एक अच्छा क्वेश्चन और बन जाएगा

ठीक है सिंपल लैंग्वेज अगर मैं समझाना चाहूं तो ये चीज होती है जहां पे एक इमेजिनरी टेट्राहेड्रल सेंटर सोचा जाता है क्यों सोचा जाता है ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्रीज अवॉइड कर सके कैसे उसकी वजह का डेरिवेशन अभी नहीं सकते बट मैं लॉजिक समझाता हूँ क्या हो रहा है यहां पे R1 वन शुड नॉट बी इक्वल टू आर टू शुड नॉट बी इक्वल टू आर थ्री शुड नॉट बी इक्वल टू आर फोर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होने होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा इसलिए तब ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा इसलिए इस केस में ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो टोटल तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन के आ रहे हैं देखिए बेटा ध्यान से नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन कितने थ्री एट कंपाउंड टोटली ऑप्टिकली एक्टिव बन के आ जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में हमने एक छोटी सी यहां पे गलती कर दी है कि नंबर एफ वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए तो वो करेक्शन भी कर लीजिए तो टोटल आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू नाइन समझ आ गया क्यों इसमें हमने डिराइव सही किया था बट गलत मार्क कर दिया था ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर चलते हैं इस वीडियो के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजोल्ड

बट सेम कंपाउंड नहीं है बिकॉज एक बेंजीन रिंग ऐसी है तो दूसरी बेंजीन रिंग ऐसी है like example, है है लाइक फॉर ऐसा ऐसा एंड तो जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो मिरर इमेज कैसा बनेगा ये सभी तो सोचना है बेटा उसी के तो मार्क्स सोचने के मार्क्स हैं ये बनेगा एंड ये बनेगा तो बहुत से लोग इसे छोड़ के आएंगे नहीं भाई साहब तो सेम कंपाउंड है नहीं सेम कंपाउंड नहीं है दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं

काइरल कंपाउंड्स विदाउट काइरल सेंटर काइरल सेंटर नहीं है बट एक कागजिस्ट कर रही है एक वन डी सॉरी एक्सिस एग्जिस्ट एक कर रही है जिसके अलांग मेरे पास कायरलिटी एग्जिस्ट करती है इसलिए कायरल कंपाउंड विदाउट अयरल सेंटर भी इनको बोला जाता है अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आज के लिए चलिए ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटा प्लीज पक्का से लाइक कर देना बहुत ऑनेस्टली मेहनत लगती है एज यू पीपल दिस इज नॉट माई फुल टाइम जॉब ठीक है मेरी फुल टाइम जॉब लगी हुई है एंड दिस यूट्यूब फॉर यू ठीक है तो प्रैक्टिकली लाइक कर देना दैट विल बी अ गुड मोटिवेशन एंड डाउट्स ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछते रहना सभी को स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन में हमें एक चीज सीखने को मिलेगा सबसे पहले सभी को पता ही होना चाहिए कि ब्रेट्स रूल क्या होता है अगर मैं ब्रेड्स रूल की बात करता हूं तो वो ये बोलता है कि ब्रिज हेड पे कोई भी इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है चाहे वो प्लस हो माइनस हो रेडिकल हो डबल बॉन्ड हो कुछ भी हो सब कुछ अनस्टेबल होता है तो इस केस में हम कैसे अप्लीकेबल करेंगे ब्रेड रूल का देखो ध्यान से अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेता हूं या ये हाइड्रोजन लिया जाए तो अगर मैं उनको टोटोमराइज करवाऊंगा अगर आप टोटोमराइज करवा के ये स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप लोग वो गलत स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड अलाउड नहीं होता है बिकॉज़ ऑफ हायर एंगल स्ट्रेन दोनों रिंग्स का एंगल स्ट्रेन एंड स्मॉलर रिंग है इसीलिए अगर मैं केस नंबर बी की बात करता हूं तो यहां पे भी सेम चीज है ब्रेड्स रूल विल बी वायलेटेड नंबर डी में तो अल्फा हाइड्रोजन भी उपलब्ध नहीं है कि मेरे पास हो सके sp3 के द्वारा टॉटोमेराइजेशन

अगर मैं फाइव कल की कल की वीडियो का पहला एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं हाईली अनस्टेबल लेकिन अगर मैं एक टेन तो में, में, में मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल होता है या अनस्टेबल इट इज स्टेबल इट डज नॉट डाइमराइज सिमिलरली फोर मेंबर रिंग्स में तो डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो रहा था लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइव में डबल बॉन्ड बना दिया स्टेबल Six ring में bond दिया स्टेबल तो बड़ी -बड़ी rings में बड़े वाले रिंगे स्टेबल होने लग पड़ते हैंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ब्रिज हेड पे भी एक्सिस्टेंस पॉसिबल हो जाएगा डबल बॉन्ड का अगर लार्जर रिंग्स लाइक टेन मेंबर इलेवन में एक्सेट्रा एग्जिस्ट कर रही हो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो बिकॉज ऐसी वीडियो रोज आ रही है आप सभी के लिए शेड्यूल ऑलरेडी लॉन्च है हाँ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी पक्का ज्वाइन कर लेना बिकॉज सारी अपडेट्स रिलेटेड टू द वीडियो द फ्री क्लासेज द फ्री लेक्चर्स कोर्सेस एक्सेट्रा वहीं पर प्रोवाइड की जाती है ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम आई होप दिस वेड एस हेल्प यू जय हिंद